शिवपुरी जिले के खोड़चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने घर पर थी, तभी तीन लोग आए और उसको जबरदस्ती उठाकर पिछोर के जंगल में ले गए, जहां उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद ऐसे तैसे वह उनके चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची और घटना की शिकायत करने थाने गई और थाने पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसने SP से कार्यवाही की गुहार लगाई है। क्या नाम है तुम्हारा? लीला। कहाँ से आए हो? खोर से। क्या समस्या लेके आए हो? जो समस्या लेके आए हैं साहब, हमारे साथ बलात्कार हुआ है, सो तीन लड़के थे ये मेरे घर पर से खींच के ले गए। कब की बात है ये? ये हो गए 15 तारीख। तो क्या नाम क्या उन लोगों का? एक नाम है राकेश, एक को विजय, एक को अच्छे नाम। ठीक है, तो ये कब की क्या बात थी, किस समय की बात है ये? 7 बजे शाम के वक्त। तो हुआ क्या था, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जाए उन्होंने मेरे को उठा कर ले आया पिछोर में, पिछोर के डांग में सुबह में मेरे को बलात्कार किया, वही रखा रहा रात भर। अच्छा, कितने दिन आप उनके साथ में रहे? रात भर रहा। रात भर संध्या के 5-4 बजे आप घर पहुँच गए। तो आप उनके चंगुल से कैसे भागे फिर? हम भाग गए साहब, बस निकले हमारे जैसे छोड़ के लिए, हम उसमें बैठ के। तो आपने इसकी शिकायत करी संबंधित थाने में? थाने में लिखवा दी रिपोर्ट। फिर क्या हुआ? सुनवाई नहीं कर रहे थे। आप साहब के पास आए, SP साहब के पास, क्या आश्वासन मिला आपको या क्या मुलाकात हो पाई आपकी? अभी नहीं, इसी के तो हम पास आए। क्या चाह रहे हैं अब आप? हम उन्हें सजा दिलाना चाहते हैं, उसी इंसाफ चाह रहे हैं साहब। तो कितने कोई पॉलिटिक्स पावर है क्या पीछे उन लोगों के, जिन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है? आप उन्हें रिश्वत दे दी हो। कोई दबंग लोग हैं क्या वो लोग? हाँ, वो रिश्वत दे दिए, गरीब आदमी तो सुन नहीं रहे हैं साहब। मोनू नामदेव की रिपोर्ट।